मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूर डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है।
और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन? नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूट्रेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया, देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार, प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ? बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। और धन्यवाद जिल, पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है, कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि nice. यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। अजिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है, इसे सभी पसंद करते हैं। लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ, और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है, इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीच से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं, और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो, इस फाउंटेन को ले, वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर, चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है, यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ, यह वफल बनाने का समय है। वफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सब को अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और
बफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक बफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है, यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सर तैयार है, अब मुझे भी इसे वफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है इसलिए वफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हमें एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। वफल को टुकड़ों में काट कर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वफल भी तैयार है। वाओ, मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। ओह, मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाओ, कितना दिलचस्प है, सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वफल है, कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, अब मैं महत्वपूर्ण चीज वफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वफल है, तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वफल सबसे स्वादिष्ट है। ओ, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं, बर्गर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन, देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया, अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालें। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंपसूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है।
रुको, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे है। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाओ, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए है, मैं आ रही हूँ। हेलो, धन्यवाद। यह सब मेरे लिए है। अब मैं इस बिस्तर को थोड़ा ठीक करने जा रही हूँ। यह क्या है? वह क्या करने वाली है? अब मैं दस्ताने पहनती हूँ और काम पर लग जाती हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक बेकार बिस्तर से एक शानदार बिस्तर कैसे बनाया जाए। इसके लिए मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। ओह, अब मैं रुक नहीं सकती। ओह, ध्यान से। ओह, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी। चलो हम जारी रखते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे अपने निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण मिला है, उसे यहाँ रख दे। एक और, बस हमने इसे सुलझा लिया है। और अब ड्रिल। मैं गिर रही हूँ। मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था। यह ठीक है, मैं अब कचरे से छुटकारा पाऊंगी। और तुम क्या करने वाली हो? एक बिस्तर का निर्माण। यह एकदम आसान है। इस बार को अच्छे से ठीक करना है और यह लगभग आधा तैयार है। बढ़िया, मैंने कर लिया। हम बिस्तर को नीचे करते हैं और फिर मैं इसे अच्छे से स्क्रू करूंगी। वाह, मैं भी इसे आसानी से कर सकती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, आ जाओ, ये रहे तुम्हारे पैसे। हम इसे अभी करेंगे मिस। धन्यवाद। यह क्या है? ओह, यह हार्ड था। यह कैसा है? वाह, कितना अच्छा। हाँ, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर होगा। वे भी एक बिस्तर बना रहे हैं और फूलों की व्यवस्था भी की गई है। हम बहुत अच्छे हैं। तकिए के साथ सब कुछ तैयार है। बहुत बढ़िया, अब फाइनल टच की बारी है। बिल्कुल सही। ओह, अपनी आंखों का ख्याल रखना। ओह वाह, ईर्ष्या मत करो, मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर है। ओह, यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। बिल्कुल आरामदायक नहीं। यहाँ बहुत अच्छा है। वो मुझे क्यों देख रही है? खैर, ये ठीक है। मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन शायद ये मेरा काम आ सकता है। पर्दे। अब ये निश्चित रूप से सुंदर होगा। मैं जीनियस हूँ। और क्या होगा अगर मैं इसे ले लूँ तो? हाँ, बस एक झपट्टा नीचे आ गया। अब इसे यहाँ लगा देती हूँ। स्टेपलर हमेशा मदद करता है। चलो चलते हैं। अब मैं इस पर्दे को लगाने जा रही हूँ। इस तरह से सब अच्छा होगा। ओह, मुझे अब स्टेपलर की जरूरत नहीं थी। और तुम ऐसे क्यों फेंक रही हो? वाह, अब मैं सभी को सरप्राइज करूंगी। मुख्य बात इसे कसकर बांधना है। और दूसरा छोर भी। अब मेरे पास एक सुंदर झूला है, मैं उस पर आराम कर सकती हूँ। बहुत सुविधाजनक। उसने खुद का झूला बनाया? ईर्ष्या मत करो। एक तरह से उबाऊ है। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अभी झूला नहीं चाहिए। मैं इस बेड साइड टेबल और इस कपड़े से एक टेबल बनाऊंगी। इसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए।
अब हमें डिवाइस जोड़ने की जरूरत है। अब मेरे पास एक टी सेट है, ऐसे प्यारे मग के साथ। चाय पार्टी में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ओह माय, किस तरह का किंडरगार्टन है टी पार्टी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मैं म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। वो निश्चित रूप से मुझसे ईर्ष्या करेगी। आविक है? हाँ आओ, यहाँ रख दो। क्या आप आज रात पार्टी कर रही हैं? हल्के संगीत के बिना कैसी पार्टी? हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया। आपका पैसा, धन्यवाद। जल्दी अपने सभी दोस्तों को बुलाती हूँ। दोस्तों के बिना किस तरह की पार्टी। हेलो दोस्तों, हेलो। हम लोग काफी समय से आपस में बात नहीं किए हैं। चलो मजे करो, ये सब अच्छा होने वाला है। वहाँ क्या चल रहा है? अंदर मत आना, मैं वास्तव में नहीं चाहती हूँ। ओह कितना तेज है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे कान। म्यूजिक बंद करो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं कॉल करूँगी जहाँ मुझे जरूरत है, वो उनके साथ निपट लेगा। म्यूजिक बहुत जोर से है, क्या तुम आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। इतनी जल्दी? हेलो, इधर आओ, मैं सब देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वहाँ एक पेशेवर काम करता है। लड़कियों, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो, यह बुरा है। मेरे पास एक आइडिया है, यह आपके लिए है। बहुत 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 धन्यवाद, ऐसे अद्भुत लोगों से निपटना अच्छा है। चलो अच्छे से मजे करो, आज कितना अच्छा दिन है, मैं नाचना और मुस्कुराना चाहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? ओ, ओ, मुझे जाना है, बाय बाय। तुमने देखा समस्याओं से कैसे हल किया जाता है। ओह फिर से, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे भी पता है कैसे मजा करना है। तुम देखना, मेरी पार्टी तुमसे 100 गुना बेहतर होगी। इसके लिए मुझे बस एक ग्लोब चाहिए, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो डिस्क लेते हैं, बढ़िया है। अब उन्हें थोड़ा काटने की जरूरत है, हमने छोटे चौकोर टुकड़े कर लिए हैं, ध्यान से ताकि खुद को न काटे। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तैयार, अब मेरे पास बहुत सारे चमकते स्क्वायर्स हैं। अब उन्हें मेरे ग्लोब से चिपकाने की जरूरत है, एक के बाद एक, इस तरह से। चलो स्पिन, तैयार, ये सुंदर है। अब हमें इसे यहाँ लटकाने की जरूरत है, ये एकदम सही लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बचे हुए डिस्क के साथ दीवार को सजा सकते हैं। अच्छा होगा कि उस पर ग्लू भी लगाए। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मेरे पास स्पीकर नहीं है लेकिन मेरे पास ये शानदार चीज है। चलो मेरे फेवरेट म्यूजिक को जोर से चालू करें ताकि हर कोई सुन सके। तो ये पसंद आया मेरे दोस्त? यह क्या है, कितनी मस्त पार्टी है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। हाय, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? बिल्कुल आओ, शामिल हो जाओ, ये टी पार्टी है, कितना बढ़िया। ये कैसे संभव है? थोड़ा लाइट चाहिए, किताब बहुत दिलचस्प है। लाइट ब्लिंक कर रहा है, यह अच्छा नहीं है। ओह वो बंद हो गया। हे काम करो, मैं क्या करूँ? वाह मेरे पास लैंप का एक बॉक्स है। वाह ये कितने सारे हैं। यह काम करना चाहिए या कुछ और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सभी लाइट बल्ब को फर्श पर रख दूंगी। हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ सब तैयार, अब बस लैंप लगाना है। बहुत बढ़िया, वो क्या कर रही है? अब मैं बिस्तर के चारों ओर एक माला लगाऊंगी, यह ठीक निकला। यह क्या है? अरे कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी किताब पढ़ सकती हूँ। ओह हाँ मैं, वाह अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी हूँ, मुझे डिलीवरी चाहिए तुरंत। आ भी गया, गुड आफ्टरनून। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है, इस बिस्तर पर लाइट लगाओ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी जरूरत की हर चीज ले ली है, आपके पास सबसे चमकीला बिस्तर होगा। चलो और लाइट लगा, इसे चालू करो। वाह बहुत बढ़िया, यह रहा तुम्हारा पैसा, धन्यवाद। ओ नहीं कितना भयानक, सब में आग लग गई है। मेरा बिस्तर, क्या करूं? मुझे डर लग रहा है, बुझाने की जरूरत है। अब मैं कुछ करूंगी, मैं तुम्हारा बिस्तर बचा लूंगी, चिंता मत करो। ओह हो गया, ये बहुत डरावना था। चलो मेरे पास आओ, और क्या करना है, यह बहुत अच्छी जगह है और खिलौने मस्त है, कितना बढ़िया। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना?